नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर न्यूज 24/7। आपको बता दें कि पिछले 10 दिनों में जहां पेट्रोल 5.80 रुपये और डीजल 5.45 रुपये महंगा हुआ है, दामों में वृद्धि कर एक बार फिर मोदी सरकार ने देश की जनता पर बोझ लाद दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने आह्वान किया है कि मोदी सरकार जनता की जेब लूटने की बजाय आज कोरोना के इस महामारी व आर्थिक संकट में जनता की मदद करे। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। एक बार फिर मोदी सरकार ने देश की जनता पर बोझ लादा है। श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्षा ने आह्वान किया है कि मोदी सरकार जनता की जेब लूटने की बजाय आज कोरोना की इस महामारी और आर्थिक संकट में जनता की मदद करे। 5.45 रुपया 10 दिन में डीजल की कीमतें बढ़ा दी और 5.80 रुपये पेट्रोल की। खरीफ का मौसम है, किसान अपनी फसल लगा रहा है, मध्यम वर्ग अपनी जिंदगी शुरू कर रहा है, छोटा छोटा उद्योग दोबारा अपनी जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रहा है और 10 दिन के अंदर बार बार कीमतें बढ़ाकर 5 मार्च से अब 12 बार कीमतें बढ़ाकर 2,75,000 करोड़ रुपया जनता की जेब से लूटा जा रहा है। मोदी जी, श्रीमती सोनिया गांधी ने आह्वान किया है, देश की बात सुनिए, जनता की बात सुनिए और बढ़ी हुई कीमतों से पेट्रोल और डीजल की मुनाफा कमाना बंद कीजिए और इन कीमतों को वापस कीजिए।